तो हेलो बच्चों, हाजिर हूँ आपके सामने दोबारा नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। और टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए भाई, अब दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज होता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे पैरेलल लाइंस बनाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लाइंस बनाते हैं, मतलब जिनके बीच का गैप चेंज होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसको आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में क्यू ई। पॉजिटिव साइन लगा देता हूँ। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात हमें याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अगला देखना टॉपिक। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है और मास एम है, जो कि अभी कैसी स्टेट में है, रेस्ट में। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर भागेगा। अगर ये भागेगा तो आपको पता है फोर्स बराबर कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, और बराबर किसके हो जाएगा यहाँ से, क्यू ई। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास क्यू ई बाई कितना, एम। क्यू ई बाई एम। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेशन को देखें आप, तो क्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। तो मैंने लगाया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी निकालना है मेरे को, यू की जगह जीरो, एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाई एम, और साथ में कितना टी, वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी टी टाइम पर। मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी निकाल सकते हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह कितना जीरो, हाफ ए, ए की जगह कितना क्यू ई बाई एम, और साथ में कितना टी स्क्वायर। तो ये हमने निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उसका वेलोसिटी ऐसी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखें, ये चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है, मतलब मोशन हो रहा है इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो जो पाथ होगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेट पाथ होगा। स्ट्रेट पाथ, कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट पाथ होगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखें, ये पैरेलल मूव कर रहा था ना, बिल्कुल। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस तरफ, नीचे की तरफ। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है मैंने, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। ये मैंने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींची, इस मैं मैंने क्या करा, वी नॉट रफ्तार से थीटा एंगल पे एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, और वो पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर गया, आर दूरी पर। कितना हाइट पे गया, एच दूरी पर। मैक्सिमम हाइट एच है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पर भाई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना। अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, और ग्रेविटी भी किधर खींच रही है, इसको नीचे की तरफ। तो जो नेट एक्सेलरेशन हुआ, जो नेट एक्सेलरेशन हुआ इसका, इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस ए, और ए की जगह कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम। यही अगर नेगेटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, नेगेटिव,
तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ कर दूंगा नेगेटिव चार्ज होगा, फिर ऐसे होगा। पाथ में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऊपर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगी और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगी। तब आप क्या करेंगे, जी माइनस ए कर देंगे यहाँ पर, बस इतना चेंज आएगा। चलिए अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बताऊँ, टाइम का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा अपॉन में नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, जी प्लस क्यू ई बाई कितना, एम। ठीक है, ऐसे ही हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, कितना ऊपर तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है 2, इसको मैं यू ले रखा है ना, तो यहाँ पर वी नॉट कर लो आप, फिर कितना हो जाएगा, 2v0 स्क्वायर, सॉरी v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 × जी इफेक्टिव या ए इफेक्टिव। ए इफेक्टिव कितना आएगा मेरे पास, जी प्लस क्यू ई बाई कितना, एम। मैक्सिमम हाइट आ गया, ऐसे ही इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ऐसे आप निकाल सकते हैं यहाँ पर इसकी रेंज, और रेंज का फॉर्मूला होता था v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ से, ये वाला, जी प्लस क्यू ई बाई कितना, एम। ये हमारे पास रेंज आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली में मूव करा रहे हैं तो कैसा पाथ है उसका, स्ट्रेट पाथ। अगर थीटा एंगल पे कर रहे हैं तो पैराबोलिक पाथ होगा। इस बात को मैं प्रूफ कराता हूँ आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन वाला पार्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें पता है कैसे करना है इसको। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, एच बताया, जी आर बताया, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना वही वाला फॉर्मूला है। बस हमने क्या करा, जो जी आता था वहाँ पर, वहाँ की जगह ए नेट लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखें आगे। अगली बात ये है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, किस तरफ, नीचे की तरफ। ये मैंने यहाँ पर बना दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल को मैं एंटर करा रहा हूँ, कितनी रफ्तार से, वी नॉट, हॉरिजॉन्टली। कितने डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे करके आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर ये ऐसे आया तो मैंने इसको मान लिया फिलहाल वाई, और इसको मैंने मान लिया एक्स। यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ बच्चों, वही वाला जो प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं, अभी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसकी जो इनिशियल रफ्तार है यू, वो कितना है, वी नॉट। फाइनल रफ्तार भी कितना हो जाएगा, वी नॉट, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में एक्स, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रहे हैं, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। एक्सेलरेशन हो जाएगा हमें पता है क्यू ई बाई एम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वाई। अब मैं एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर यूज़ करता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। बताओ हॉरिजॉन्टल वाले के लिए एस की वैल्यू कितना, एक्स, यू की वैल्यू कितना, वी नॉट, इंटू में टी। एक्सेलरेशन जीरो तो टी की वैल्यू निकल गई, एक्स अपॉन में कितना, वी नॉट। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं इसमें ये वाला डाटा रखता हूँ तो एस की जगह कितना हो जाएगा, वाई, यू की जगह जीरो, हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्यू ई बाई कितना, एम, और इंटू में टी स्क्वायर। इस टी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो वाई बराबर कितना आ गया, क्यू ई अपॉन में कितना, टू एम, इंटू में टी का स्क्वायर। टी कितना है मेरे भाई, ये रहा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, वी नॉट स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो वाई आ रहे हैं वो प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर के। वाई प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, एक्स स्क्वायर के। ये तो पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब जो पाथ हुआ वो कैसा हुआ, पैराबोला पाथ। कैसा पाथ हुआ, पैराबोला पाथ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है, और इसकी इक्वेशन प्रूफ कराई। अगर मैं यहाँ से आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं यहाँ से इसमें कितना डेविएशन हुआ उस वगैरह के बारे में बात करना है, कि तो मेरे को वाई वगैरह निकाल लेना है। वाई के लिए मेरे को इक्वेशन पता है, डेविएशन कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो डेविएशन वाई वगैरह अगर मेरे को निकालना है यहाँ से, ये ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ पर इतना चला गया मान लीजिए, तो आप इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं।
इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं पाथ ऑफ चार्ज कैसा कैसा होगा। दो तरह के पाथ पॉसिबल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो स्ट्रेट पाथ होगा, और अगर ई और वी में कुछ भी एंगल है इनके अलावा तो पाथ कैसा होगा इसका, पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ। क्लियर है क्या मेरी बात? तो पाथ ऑफ चार्ज ऐसे याद रखना है, 0 और 180 के अलावा जब भी कोई एंगल होगा तो पैराबोलिक पाथ होगा, अगर 0 और 180 है तो स्ट्रेट पाथ होगा हमारे पास। ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर कि भाई पैराबोलिक पाथ होगा। मैंने आपको रेंज वगैरह निकालने का तरीका बताया, इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अब देखें ज़रा ध्यान से अगला टॉपिक। मान लीजिए मेरे पास ऐसे हैं फ्री फॉल ऑफ चार्ज, फ्री फॉल ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्री फॉल हो रहा है। ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है मान लीजिए आप, और एक ये मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इनके बीच की दूरी कुल मिला के एच है। यहाँ से बिल्कुल मैंने एक चार्ज को छोड़ा, क्यू चार्ज को। अब वो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आता है एच दूरी ट्रेवल करके। अब आपको क्या क्या डाटा पूछेगा, सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो यू कितना हुआ, 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यू ई बाई एम, जी वाले को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्सेलरेशन इतना हो गया। तो अब आपको टाइम पूछेगा, तो टाइम के लिए क्या करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह यहाँ से यहाँ तक कितना चला, एच, यू की जगह 0, एक्सेलरेशन की जगह कितना, क्यू ई बाई एम और साथ में टी स्क्वायर। ये ऊपर आ जाएगा तो टी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 2 mh अपॉन में कितना, क्यू ई। ये टाइम पीरियड आ गया भाई, एच दूरी चलने में इतना टाइम पीरियड होगा। अगर आपको यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं आप। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करता हूँ तो उसका टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं आप, वेलोसिटी के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अप्लाई करके भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये फ्री फॉल ऑफ चार्ज था किसके अंदर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। इसको भी मिटा देता हूँ, आगे टॉपिक देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं क्या करूं, ये तो हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करी, रेंज वगैरह निकाली हमने। अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, एक पेंडुलम को लेता हूं, ये रहा पेंडुलम, पेंडुलम के पास चार्ज क्यू है, मास एम है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है। नॉर्मली इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2π√ में एल बाई जी। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जी की जगह यूज़ कर रहा हूँ जी इफेक्टिव। अब आपको समझ में आएगा जी इफेक्टिव क्यों। मान लीजिए मैंने पहला केस लिया, उस पहले केस में मेरे पास ये पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल पेंडुलम, इसमें जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने नीचे अप्लाई करी, किस तरफ, नीचे की तरफ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक्सेल ग्रेविटी भी किधर लग रही है, नीचे की तरफ। तो जी इफेक्टिव यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर जी प्लस ए, और ए कितना होगा, क्यू ई बाई एम। अब मान लीजिए अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, यही पेंडुलम वापस से, और ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करी मैंने, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो एम जी किधर लगेगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स किधर लगेगी, ऊपर। तो लिखा जाएगा यहाँ पर जी इफेक्टिव जी माइनस ए। क्लियर है क्या मेरी बात? अब मान लो अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसे हैं, तीसरा, तीसरी कंडीशन है मेरे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास ये पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई करी है, तो ये वाली फोर्स इधर लगी क्यू ई वाली, और ये इस तरफ, तो जी इफेक्टिव इसका इधर आएगा कहीं, ये जी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना आएगा बच्चों, जी इफेक्टिव आएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस में कितना, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर किसी सिंपल पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम
ऑसिलेशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन ऐसे होगा, ठीक है। आगे देखें, इसको मिटा दूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगले वाले में देखना, अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में मेरे पास एक, ये मेरे पास धागे से मैंने एक स्ट्रिंग से एक चार्ज क्यू मास एम वाले पार्टिकल को यहाँ बांधा, और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करता हूँ तो मेरे को बताना है एंगल इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो भाई ये यहाँ पर आ गया, मान लीजिए कुछ भी पूछे आपसे इसमें, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया। इसका वेट किधर लग रहा है, नीचे, कितना, एम जी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इधर लग रहा है, और ये इधर लग रही है टेंशन। तो ये टेंशन को कंपोनेंट को ब्रेक कर लेंगे हम, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना टी कॉस थीटा, और ये वाला कितना टी साइन थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, टी साइन थीटा बराबर कितना क्यू ई, और टी कॉस थीटा जो ऊपर लग रहा है वो इसको बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा बराबर कितना एम जी। अब आपसे इसमें जो भी पूछा आप उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए टेंशन पूछेगा तो आप स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे, अगर आपको एंगल पूछेगा तो डिवाइड कर देना। अरे वह समझ में, ऐसे क्वेश्चन करने। आगे देखें, इसको मिटा दूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे। ये मेरे पास एक दीवार है और एकदम मस्त ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मास कितना है m, चार्ज कितना है q, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। अब मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी ऐसे करके। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करूँगा, ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक ओसिलेशन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो E कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक है तो E वन होगा हमारे पास, याद रखना। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, टकराएगा, टकरा के कोलिजन की वजह से वापस आएगा, लेकिन जब ये इधर आ रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही होगी, तो जब ये इधर आ रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही होगी, तो इसका मतलब इसका धीरे 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 इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, फिर ये रुक जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, टक्कर खाएगा, फिर वापस आएगा। जब ये वापस आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर लग रही होगी, लेकिन मोशन इसका इधर हो रहा है, तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होगी, इसका मतलब ये बार बार ऐसे चलता रहेगा, एस एच एम करेगा। ये क्या करेगा यहाँ पर, एस एच एम करेगा। पहली बात तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो उसके आगे और पीछे ऐसे मूव करेगा। अब अगर ये एस एच एम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पता है यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो मैंने लिखा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह कितना एल, यू की जगह जीरो, हाफ एक्सेलरेशन की जगह कितना क्यू ई बाई एम, और साथ में कितना टी स्क्वायर, ये इतना आएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, टू एम एल अपॉन में कितना क्यू ई अंडर रूट में, ये तो एक तरफ का टाइम हो गया, लेकिन वापस आने का टाइम कितना हो जाएगा डबल, तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका टू टी, और टी की वैल्यू में बताएं अंडर रूट में क्यू एम एल अपॉन में, सॉरी टू एम एल अपॉन में कितना क्यू ई, ये टाइम पीरियड आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कुछ पार्ट आपको बताया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक्स वगैरह में, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ना हो फिर भी कुछ क्वेश्चन, जितने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इससे हो जाएंगे हमारे, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको याद रखना है काइनेमेटिक्स यहाँ पर बस हमने मिलाई हुई है, इसमें इस टॉपिक के अंदर काइनेमेटिक्स है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम है, पाथ के बारे में बात करा हमने, इसके पैराबोलिक पाथ के बारे में बात करा हमने, इसके स्ट्रेट पाथ के बारे में बात करी हमने, इसमें फ्री फॉल को डाला हमने, फिर यहाँ पर एस एच एम भी देखा, ये सारे पार्ट थे बच्चों। यहाँ तक हमारे पास पार्ट था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू यार।